A very and good morning to students of standard 5th. We have just started our new chapter in English. हमने एक नया chapter हमारा शुरू किया है, वो भी एक अच्छा topic है, उसका एक heading है, वो बहुत अच्छा है. क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत उपयोग आता है, इसलिए काम आता है. इसलिए friendship, मित्रता. ओके, दैट मित्रता, इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग इन इट, दैट वी हैव सीन इन द पोयम ऑल्सो. यस और नो? यस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एक्टिविटी दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. के हमारे बुक में एक्टिविटी है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा क्या करना है वो एक्टिविटी में. अगर ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू हैव टू डू इन दैट एक्टिविटी दैट आई विल एक्सप्लेन यू. यू कैन डू दैट एक्टिविटी एट योर होम ऑल्सो. क्या आप घर पे वो एक्टिविटी कर सकते हैं? ओके, विल गो स्लोली स्लोली वन बाय वन दैट. क्या हम धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि आपको वो अच्छी तरह समझ में आए इसलिए. ओके स्टूडेंट्स, एंड मोर ओवर वी हैव जस्ट कम्प्लीटेड कि हमने एक ही पोयम हमने कंप्लीट किया है. अभी और कुछ बहुत बाकी है उसमें. चैप्टर नंबर 2 में हमारे जो नाम है फ्रेंडशिप, मित्रता. ओके, वील लर्न मैनी थिंग्स कि हम उसमें से बहुत कुछ ज़्यादा सीखेंगे. यहाँ पे हमारा जो यूनिट का नाम फ्रेंडशिप है ना, तो उसके बारे में ही यहाँ पे सब कुछ दिया होगा आपको. ओके, सो यू विल लर्न मैनी थिंग्स. सी, वी हैव लर्नड मैनी थिंग्स फ्रॉम द पोयम. यस और नो? हाउ शुड वी give respect to our friends? What should we learn from him? What we can give to them? We should hurt our friend or not? कि हमें हमारे friend को दुख पहुँचाना है या नहीं, हमें क्या सीख मिलती है उसे, वो सब कुछ हमने poem में देखा अब तक. Okay students, and मैंने भी आपको बताया कि आपके आप तो अभी तो घर पर हो, तो आपको 4th standard में आपके जो मित्र थे कि आपके जो यस फ्रेंड्स थे, तो आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि मेरे कौन कौन से अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसमें क्या गुड क्वालिटीज़ है, मेरे में क्या गुड क्वालिटीज़ है, हमारे हम दोनों में से किसके पास ज़्यादा क्वालिटीज़ है, और मैं अगर मेरा फ्रेंड मेरे उसके पास अगर ज़्यादा क्वालिटीज़ है तो मैं उसके पास से क्या ले सकता हूँ, मेरे लाइफ में मैं क्या सीख सकता हूँ मेरे लाइफ में, ये सब कुछ आप घर बैठे कर सकते हैं. इमेजिनेशन कर सकते हैं कि आपका फ्रेंड जो 4th standard में थे, हाँ, तो उसका नाम लिखो, फिर उसको इमेजिन करो कि वो क्या क्या करता था ब्रेक में, क्या क्या मेरे साथ करता था, क्लास में क्या क्या करता था, जब मैं वेन आई एम इन डिफ़िकल्टी, हाँ, तो उसने मुझे कौन सी मदद की है, वो सब आप लिख सकते हैं. यस और नो? यस, यू कैन राइट all the things and you can learn from them also. And when he is writing about you, ke wo jab aapke bare mein likhe to wo bhi yahi follow karenge. Okay, so you should always take something from each other to learn. Okay, to learn new thing. Okay, ye sab kuch aapko dimag mein rakhna hai. Okay, now we will see the activity. Okay students, that is given in your textbook. That activity number 2. Okay, the poem was our activity number 1. Okay, now activity number 2. In activity number 2, they have given about the activity number 2 में आपको दिया है क्लासिफिकेशन करना है. ओके, उसके बारे में लिखना है. किसके बारे में लिखना है वो मैं यहाँ पे पढ़ के आपको बता देता हूँ. See, in activity number 2, what you have to do, that is work in pairs.
ओके, यू हैव टू वर्क इन अ पेयर। पर अभी तो आप घर पे हो तो अकेले काम कर सकते हैं या नहीं वो हमें यहाँ पे देखना है। ओके, राइट द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड एंड से, कि आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है एंड से व्हाई यू लाइक हिम और हर। ओके, आपका बेस्ट फ्रेंड का एक नाम लिखो एंड गिव अ रीज़न, कि आपका आपको उसका कारण देना है कि आपको वो पसंद क्यों है, सी और ही। ओके, एनी वन, फाइंड आउट द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस विथ योर पेरेंट्स, विथ योर पार्टनर्स, फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, लुक्स, हेयर स्टाइल, मदर टंग, लाइक्स, डिसलाइक्स एंड इंटरेस्ट एंड एक्सेट्रा। ओके, सो दिस एक्टिविटी सेइंग इट इज वेरी नाइस एक्टिविटी दैट वी कैन से ऑल्सो। ओके, सो व्हाट दिस एक्टिविटी इज सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर पार्टनर मीन्स योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, इफ सी इज अ गर्ल और अ बॉय यू कैन राइट his or her name. First of all you have to do that. What you have to do, you have to write the name of your friend, write the name of your friend, name of your friend. Then next thing what you have to do is that you have to see the qualities that is present in your friend. Okay, you have to see, I have just told before only, that you have to just see the similarities that is present among you and your partner. Okay, what is the difference, that also you have to see. Okay, you have to see whether he likes, you have to just imagine and you can write the dislikes, likes. Okay, you have to write the dislike, like, you have to write the qualities like your friends, what does he likes, कि उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, उसकी हेयर स्टाइल कौन सी है, उसका वेट कितना है, फिर उसकी हेयर स्टाइल कैसी है, फिर उसकी लैंग्वेज कैसी है, ओके, उसकी मदर टंग क्या है, ओके, वो सब कुछ आपको लिखना है उसके बारे में. ओके, सो यू कैन राइट योर विथ योर फ्रेंड्स सिमिलरिटीज, similarities between you and your friend. Okay, what are the similarities between you and your friend, means a common point that is seen in you and your friend. ke ek common point hai jo hamara common point hota hai, ke chalo main ek common point aapko dikhata hu, ke mere andar aur mere friend ke andar ek common point hai ke hum dono specs pehante hai, to wo kis mein aayega, wo similarities mein aayega. Okay, now differences. और अगर मेरा दूसरा कोई फ्रेंड है तो उसमें मेरे और उसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे और मेरे एक दूसरा फ्रेंड है तो उसमें वो उसके पास स्पेक्स नहीं है, मैं स्पेक्स पहनता हूँ, फिर मैं शर्ट पहनता हूँ तो वो शर्ट कभी नहीं पहनता, ओनली ही वेयर्स टी शर्ट ओनली. ओके, ही लाइक्स वेरी मच. ओके, सो यू कैन राइट द सिमिलरिटीज बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, कि आपको सिमिलरिटीज लिखनी है. फिर दूसरा क्या है, कि आपका उसका डिसलाइक, लाइक, ओके, डिसलाइक, देन लाइक, ओके, वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ योर फ्रेंड, दैट आल्सो यू शुड राइट. ओके, देन हेयर स्टाइल, देन वॉकिंग स्टाइल, लाफिंग स्टाइल, लाफिंग, then you can write looks. Okay, how he looks, okay, how he looks or how she looks, ke wo kaisa lagta hai, kis tarah ka lagta hai, kaun se jaisa lagta hai, that you can write also. Okay, mother tongue hai. Okay, height, fir uski boli hai jo mother tongue, hum gujarati mein bolte hai na sab kuch ghar pe, to wo hamari kya hai, तो वो हमारी एक मदर टंग है, तो उसकी मदर टंग कौन सी है वो आपको बताना है, एंड एक्सेट्रा. ओके, यू कैन राइट मेनी थिंग्स दैट आई हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स, बट यू कैन ऐड मोर अबाउट योर फ्रेंड. ओके, सो दिस एक्टिविटी शोज अस एक्टिविटी नंबर टू, राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड एंड राइट द सिमिलरिटीज बिटवीन
you and your friend and write something more about him, that what is the color of its hair, then how much height he or she has, उसका वेट कितना है, फिर उसकी मदर टंग कौन सी है, मातृभाषा कौन सी है उसकी. ओके, देन यू कैन राइट द वॉकिंग स्टाइल. सम हैज अ लेजी वॉकिंग स्टाइल, सम वन हैज अ वेरी स्पीडी वॉकिंग स्टाइल. ओके, कोई आदमी है, कोई हमारा फ्रेंड है, तो वो बहुत जल्द चलता है, कोई धीरे धीरे चलता है, फिर कोई डांस डांस करके चलता है. हमें पता है, क्योंकि मैं तो कभी कभी देखता हूँ कि आप लोग जब ब्रेक में जाते हैं तो रनिंग फुल फास्ट आप दौड़ के चले जाते हैं, फिर जब ब्रेक पूरा होता है ना, तब आप किस तरह आते हैं कि लेजीनेस. ओके, बिकॉज यू डोंट लाइक टू कम इन क्लासरूम, दैट्स व्हाई. सो ये सब कुछ आपको लिखना है अपने फ्रेंड के बारे में. ओके, सो एंड वन टेबल इज ऑल्सो गिवन, सिमिलरिटी विथ योर क्लासमेट्स एंड डिफरेंस विथ द क्लासमेट्स आर. ओके, दैट आई हैव टोल्ड यू. You can complete this activity. When you will do this activity, you will get more knowledge about your friends. अगर आप ये activity करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है कि आपको अपने जो friends है उसके बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा. Okay? So this was our activity that you can do at your homes. Okay? When I will upload this video, I will send all these things to you. Okay? So you have seen that I have told you. कि क्या सिमिलरिटी है, क्या फनीनेस, देर इज़ प्रेजेंट फनीनेस इन यू. क्या आप बहुत मस्ती मजाक करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मैंने देखा है. वो भी आपको ब्रेक में एक दूसरे के लंच बॉक्स में से आप खाते हो, वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपका क्या होगा तो बॉन्डनेस बढ़ेगा एक दूसरे से. ओके, देर विल इंक्रीज ऑफ बॉन्ड, देर विल इंक्रीज फ्रेंडशिप बॉन्ड बिटवीन टू पर्सन और विद इन यू एंड योर फ्रेंड. Okay, so I have just told you about the walking style and all these things. Okay, आप कैसे चलते हैं वो भी मुझे पता है. जब ब्रेक होता है, जब ब्रेक का बेल बजता है, तब आप दौड़ के सब कुछ दौड़ के आप जाते हैं, फिर जब वापस आने का टाइम आता है तो तब आप धीरे धीरे चल के आते हैं. ओके, वो सब क्या है, तो वॉकिंग स्टाइल की क्वालिटीज़ होती है. ओके, नाउ देर इज़ अनदर थिंग, दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 3. Given below is a beautiful story. It is about how the grandfather treats his chair as a friend and how the grandson understands the feeling of grandfather better than his parents. Enjoy the story. So they have given us the story about the grandparents. Okay, to hame bhi pata hai ki hamare ghar mein हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडमदर होते हैं कि नहीं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो सब कुछ हमारे परिवार में होते हैं. अगर हमारे जो मामा होते हैं तो उसके पापा होते हैं, तो हम उसको क्या बुलाते हैं, नाना बुलाते हैं. उसकी मदर होती है तो हम उसको नानी बुलाते हैं. फिर हमारे घर पे जो हमारे पापा के पापा होते हैं तो उसे हम क्या बुलाते हैं, दादा बुलाते हैं. उसकी मम्मी को क्या बुलाते हैं, हमारे पापा की मम्मी को हम दादी बुलाते हैं ना. तो ये सब कुछ इस स्टोरी में आपको दिया है. अब हमारा हेडिंग कौन सा है, पहले तो हमें हेडिंग ही याद रखना है कि हमारा हेडिंग कौन सा है, तो क्या फ्रेंडशिप. ओके, फ्रेंडशिप है, तो ये चैप्टर भी, ये दूसरी स्टोरी हमारी है, तो वो दूसरी स्टोरी भी फ्रेंडशिप पे ही हमें यहाँ पे मिली है कि हम यहाँ पे वो स्टडी करेंगे फ्रेंडशिप ऊपर. पर एक बात है कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो उसके पास हमें टाइम निकालना बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, क्योंकि हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से स्टोरी सुनते हैं, फिर हम उसे कोई भी बात कहें ना तो उसे कभी भी दुखी नहीं लगता हमारी बात को, उसको कभी नाराज़ी नहीं होते वो. यस और नो? यस. और एक तीसरी बात है कि हम कहीं पे हम ऐसा लगता है ना कि आज मेरे मम्मा है वो मुझे चिढ़ाती है और कुछ एक कुछ बनता है कभी कभी, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास उसके पास चले जाएंगे. ओके, एंड दे विल गिव अस द कामनेस एंड वार्मनेस टू अस. ओके, सो देर इज़ अ बिग रोल ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन आवर लाइफ, कि वो भी आपको समझना पड़ेगा कि आप कभी 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 आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेलते भी है कि नहीं. इस तरह खेलना आप अपने पापा के साथ नहीं खेलेंगे, पर आप अपने दादा के साथ खेलेंगे. यस और नो? यस. सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग दैट ऑल्सो, बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स ऑलवेज ट्रीट अस
लाइक अवर फ्रेंड्स, ये सब हमें उसके साथ क्यों ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो हमें एक मित्र की तरह हमें वो देखते हैं। कभी कभी हमें वो लाड लड़ाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, फिर घूमने फिरने के लिए वो ले जाते हैं, हमें सिखाते हैं स्टोरीज, मेन थिंग इज स्टोरीज, कि कितनी सारी कहानियाँ हमें उससे मिलती है सुनने के लिए। ऐसी कहानी हमें हमारे मम्मी पापा से शायद ना मिले, पर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से तो हमें बहुत ज़्यादा स्टोरीज हमें मिलती है, क्योंकि उसने उस ज़माने में के उसके जो टाइम थे, उसका जो टाइम था कि जब वो हमारे जैसे थे, तब उसने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी है, इसलिए उसके पास नई नई बातें होती है, नए नए कुछ सीखने को हमें मिलता है, इसलिए हमें हमारे दादा है या ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उसके साथ हमें रहने के लिए बहुत अच्छा लगता है। यस और नो स्टूडेंट्स? यस। ओके, सो दैट लाइक दैट ओनली हियर इज अ स्टोरी ऑफ अबाउट अ ग्रैंड सन, मीन्स ग्रैंड फादर्स सन इज देयर एंड ही हैज अ स्मॉल चाइल्ड। ओके, सो देर इज अ स्टोरी अबाउट अ ग्रैंड सन एंड द ग्रैंड पेरेंट्स, एंड ग्रैंड पेरेंट्स में कौन है, तो एक सिर्फ उसके दादा ही है और एक बच्चा है और उसका दादा है, तो वो दोनों के बीच में एक वार्तालाप के रूप में यहाँ पे आपको दिया है। क्या है इस स्टोरी में वो भी हम सीखेंगे, इस स्टोरी में से भी हम क्या ले सकते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें कोई भी स्टोरी है कोई हमें, तो उसमें से हमें कोई ना कोई एक अच्छा मैसेज मिलता है। अगर इसमें से आपको नहीं समझ में आते तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप कभी भी मूवी देखने जाते हो थिएटर में, तो उसमें से हीरो एंड विलन दो पार्ट होते हैं। ओके, हीरो लास्ट में विन भी हो जाते हैं, वो जीत जाता है, तो उसमें से हमें क्या सीख मिलती है, तो उसमें से हमें कुछ ना कुछ एक मैसेज दिया हुआ है हमें पब्लिक को, हम सबको ये मूवी देखने के बाद, सभी मूवीज़ में एक ना एक मैसेज तो छुपा रहता है, वो लास्ट में हमें पता चलता है कि हमेशा अच्छा काम करो। ओके, विलन की तरह बुरे काम मत करो, हीरो की तरह अच्छा काम करो। ओके, अगर बुरा काम करने वाला आपको मिले तो उसको सजा दो और उसको समझाओ कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सो फ्रॉम दिस स्टोरी, कि ये जो स्टोरी हमारी है, ग्रैंड पेरेंट्स स्टोरी इज देयर, ग्रैंड पास स्टोरी इज देयर, सो उसमें से हमें भी कुछ ना कुछ निकालना है। क्या हमें ये स्टोरी सिखाता है वो हमें निकालना है, फिर अपने जीवन में उसको लागू करना है। तो ये है हमारे यहाँ पे एक स्टोरी, ग्रैंड पा और एक उसके पोते की एक स्टोरी है। नाउ आई विल रीड एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, मॉम आई एम होम, जॉन स्लैम्ड द डोर एंड ड्रॉप्ड हिज बुक ऑन अ नियर बाई चेयर। नाउ मॉम आई एम होम, तो जो लड़का है तो वो क्या कहता है, तो वो उसके मम्मी को बुलाता है, मॉम आई एम होम, कि मैं घर पे आ गया हूँ, मैं घर वापस आ गया हूँ, मैं घर में आ गया हूँ। जॉन स्लैम द डोर, तो वो क्या करता है, तो वो घर के अंदर जब एंट्री लेता है ना, तो कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब वो घर में एंट्री लेते हैं ना, तो उसके मिस्चीवियस होता है ना, जो स्वभाव मिस्चीवियस स्वभाव होता है, तो वो पहले क्या करता है, तो पहले सीधे डोर को क्या करते हैं, स्लैम करते हैं। ओके, जोर से स्लैम करते हैं, हार्डली दे स्लैम इट। ओके, फिर क्या ओपन करते हैं, जोर से वो ओपन करते हैं, फिर डोर क्या है, दीवार से वो टकरा जाता है। तो लाइक दैट ऑल्सो जॉन ऑल्सो डिड लाइक दिस ओनली। ओके, जॉन स्लैम द डोर एंड ड्रॉप हिज बुक ऑन अ नियर बाई चेयर। एंट्री लेता है जॉन घर पे, वो कहीं पे बाहर गया होगा फिर पढ़ने के लिए। ओके, स्कूल में गया होगा, वो स्कूल के आने के बाद शायद हम उसे अनुमान लगा सकते हैं कोई भी काम करने के लिए, वो उसके साथ बुक्स थी, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो पढ़ने के लिए बाहर गया होगा। ओके, सो व्हेन ही एंटर्स फ्रॉम द डोर ही जस्ट टेल्स हिज मॉम, मॉम आई एम होम, के मम्मा मैं घर पे आ गया हूँ, विथ एक्शन। ओके, ये जब वो बोलता है तब वो एक्शन कौन सी करता है, एट दैट टाइम ही ओपन द डोर, क्योंकि जब डोर ओपन होगा तभी उसको उसकी मम्मी दिखाई देगी और तभी वो बोलेगा, तो पहले वो क्या करता है, ओपन द डोर करता है। ओके, जोर से ओपन द डोर करता है, स्लैम्ड, ही स्लैम्ड द डोर, मीन्स जोर से वो ओपन करता है, वो उसका जो दरवाजा होता है वो जोर से ओपन करता है, फिर उसको मम्मी को क्या बोलते हैं, मॉम आई एम होम, एंड जो उसके साथ जो बुक्स थी, सारी बुक्स थी
वो बॉक्स एक नियर बाय चेयर के उसके घर में एक चेयर होगी उसके नज़दीक वहाँ पे वो सब कुछ रख देता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस आफ्टर दैट समथिंग स्मेल्स गुड, हु सेज दिस? दिस इज सेड बाय द जॉन। जॉन कुछ न कुछ घर में कुछ नई चीज़ आज मम्मा बना रही थी तो उसे उसकी स्मेल आ गई, तो वो स्मेल उसको आ गई। किसको आ गई? जॉन को। ओके, जॉन जो है वो एक छोटा लड़का है हमारी तरह। स्मेल्स गुड, समथिंग स्मेल्स गुड। विथ हिज नोज इन द एयर ही फॉलोड स्वीट अरोमा इन टू द किचन। नाउ जॉन क्या घर पे आता है पहले, फिर मम्मा को बोलता है कि मैं आ गया हूँ घर में, फिर क्या करता है वो कि वो सारी बुक्स उसके पास थी वो साइड में रखता है, फिर उसको जब वो ये सब कुछ काम करने के बाद तो उसको तुरंत एक स्मेल आ जाती है किचन में से। ओके, तो अपना नाक और अपना मुंह ऐसे ऊंचा करके ओके वो चलता है, कहाँ से वो स्मेल आती है उसी डायरेक्शन में वो चलता है, स्मेल करके करके वो चलता है। जो कुत्ते होते हैं ना, जो हमारे पेट डॉग्स होते हैं, तो वो भी ऐसे ही करते हैं कि नहीं, वो सूंघ सूंघ के जहाँ पे चीज़ होगी वहाँ पे वो पहुँच जाता है। यस और नो? लाइक दैट ओनली जॉन ऑल्सो स्मेल दैट ही स्मेल्ड द स्वीटनेस दैट इज मेड बाय हिज मदर। ओके, एंड ही वेंट इन टू द डायरेक्शन ऑफ दैट। ओके, स्वीट अरोमा, अरोमा मीन्स स्मेल ओनली। ओके, नाउ हाई जॉन होम ऑलरेडी? हाई जॉन होम ऑलरेडी? इट इज अ क्वेश्चन आस्ड। ओके, तो मम्मा क्या बोलती है कि जॉन तू घर पे आ गया? ओके, हिज मॉम टर्न्ड अराउंड। फिर क्या करते है? उसकी मॉम ये सब कुछ होने के बाद मम्मी पूछती है तू घर पे आ गया? आ गया, इस तरह का एक प्रश्न पूछती है उसकी मम्मी उसको, और फिर वो टर्न करती है जॉन के सामने। शी हैड जस्ट प्लेस्ड अ प्लेट ऑफ फ्रेश बेक्ड कुकीज ऑन द काउंटर नियर द ओपन विंडो। सो उसके मम्मी ने क्या क्या बनाया था, तो कि उसकी मम्मी ने एक फ्रेश बेक्ड कुकीज उसने बनाया था। हम कुकीज शॉप पे लेके खाते हैं ना, वो कुकीज यहाँ पे जॉन की मदर ने बनाया था फ्रेशली प्रिपेड, के अभी तक वो नया ही था, अभी अभी उसने बनाया है। और वो उसने कहाँ पे रखा था? एक विंडो के साइड में रखा था, वो प्लेट में डाल के वो विंडो के साइड में रखा था। फिर क्या हुआ हम देखते हैं। जॉन रीच्ड फॉर अ कुकी एंड लुक्ड आउटसाइड। ओके, तो विंडो के पास ये प्लेट पड़ा था कुकीज का, कहाँ पे प्लेट पड़ा था? तो के विंडो के पास। ओके, एंड when he went near to the window he looked outside the window, के वहाँ पे जो फूड पड़ा था तो वहाँ पे पहले जाता है, फिर वो स्मेल लेता है वो फूड की, फिर बाद में वो विंडो के पास था इसलिए उसने विंडो के बाहर भी देखा। तो ऐसा तो हमारे साथ भी होता है कि नहीं, कि कभी कभी हम पढ़ते हैं तो हम विंडो में से, अगर हम विंडो के साइड बैठते हैं तो हमारी नज़र कभी कभी विंडो के बाहर चली जाती है कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है। सम स्टूडेंट्स आर देर, दे आर डूइंग लाइक दैट ऑल्सो। इट वॉज द काइंड ऑफ डे दैट मेड जॉन फील वार्म इन साइड। के वो दिन, ये दिन जो था ना जॉन का, तो उसको जब वो ये जो हमारी खिड़की स्मॉल खिड़की होते हैं तो उसके बाहर जब वो देखता है तब उसको क्या फील होता है? तो उसको वार्मनेस फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। यस और ना? जो इन विंटर सीजन हमें भी ऐसा ही लगता है कि विंटर सीजन में जब सनराइज होता है तब हमें उसका जो रेज हमारे पर पड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ देर यहाँ पे खड़े रहते हैं, ऐसा लगता है, तो हमें वार्मनेस फील होता है कि नहीं? इसी तरह ये दिन भी जॉन के लिए एक अच्छा दिन था, उसको बहुत अच्छा लगा विंडो के बाहर देख के, उसको अच्छा फील हुआ, वार्मनेस फील हुआ। नाउ पॉप पॉप, जॉन्स ग्रैंडपा हु लिव्ड विथ देम सिंस ग्रैंडमा हैड डेड केम थ्रू द डोर। नाउ पॉप पॉप इज जॉन्स ग्रैंडफादर्स नेम। ओके, पॉप पॉप ही इज अ ग्रैंडफादर एंड हिज ग्रैंडफादर इज स्टेइंग विद जॉन टिल व्हेन?
from where, from when, from his grandmother died. Okay, since John's grandmother died, okay, उसकी दादी माँ जब नहीं रही तब से वो grandfather है, तो वो John के साथ रहते हैं. Okay, and he came inside the door. Okay, जहाँ पे John था वहाँ पे वो आ गया. Now spring is here, Pop Pop said, and you know what this means. Now spring is here. Spring एक season है. Yes or no? It comes after winter and before summer. एक बीच का जो गाढ़ा होता है, जो बीच का जो एक season है, तो वो हमें उसे क्या बोलते हैं? Spring season बोलते हैं. तो उसमें हमें क्या, उसको spring season क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें नए नए फूल, नए नए fruits आते हैं, इसलिए हम उसे स्प्रिंग सीजन बोलते हैं. समझ में आया सबको? यस. नाउ पॉप सेड, ओके, स्प्रिंग इज हियर, पॉप सेड, एंड यू नो व्हाट दिस मींस. ओके, तो ग्रैंडपा और जॉन के बीच में कुछ ना कुछ तो रहस्य है. ओके, तो ग्रैंडपा जॉन को क्या बोलते हैं? कि स्प्रिंग सीजन आ गया है. ओके, एंड ही सेज दैट कि तुझे तो पता है ना कि हूँ, what I want to say you, spring season has arrived and you know what I want to mean you. Okay, तो ऐसा वो बोलता है. तो के sure, John agreed. हाँ, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो, वो मुझे सब कुछ पता है. John agree हो गया अपने दादा के साथ. Our annual fishing trip is coming up. Okay, John क्या कहता है फिर? फिर कहता है कि our annual fishing trip. Okay, fishing trip का क्या मतलब होता है? कि fishing trip होता है तो फिशिंग ट्रिप में क्या करता है, एक लेक होती है तो वहाँ पे सब जाते हैं, फिर वो फिशिंग करते हैं. ओके, आप भी कभी कभी कोई भी लेक है, पॉन्ड है, उसके पास आप जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ खाना लेके जाते हैं. ओके, वो आपको क्या, आप क्या करते हैं तो कि आप वो फिश को देते हैं. देते हैं कि नहीं? वो इसी तरह उसके स्कूल से उसको फिशिंग करने के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की है. ओके, और एनुअल फिशिंग ट्रिप इज़ कमिंग अप, कि हमारे एनुअल जो फिशिंग की ट्रिप है स्कूल में से, वो अभी आ रही है, वो ऐसा बोल रहा है. नाउ एम्यूज्ड, पॉप पॉप विंक्ड एट जॉन वाइल हेडिंग स्ट्रेट फॉर द कुकीज. ओके, विंक्ड का मतलब क्या होता है? विंक्ड, विंक्ड मींस इफ समवन क्लोज वन ऑफ हिज आईज टू समवन. ओके, अगर हम अपने फ्रेंड के साथ है तो वो क्या करते हैं, हमें अगर कुछ गलत काम और इशारे से हमें कुछ काम करना है तो हम अपने फ्रेंड से एक क्लोज आई करके, एक क्लोज आइज करके हमें उसे, हम उसे बताता है, हम उसे बताते हैं. तो उसी तरह ग्रैंडफादर ने भी ऐसे ही किया. वन क्लोज आई, देन अम्यूज्ड मींस amused. Okay, that is given in the paragraph also. Okay, okay, finding something for funny, entertainment. Okay, for fun and entertainment. Okay, for fun. Okay, so एम्यूज का मतलब क्या होता है? कि कुछ ना कुछ हम बात निकालते हैं फन के लिए, तो वो हमें क्या कहते हैं? कोई ना कोई एक्टिविटी हम फन के लिए करते हैं और निकालते हैं, तो वो हमें, तो हम क्या कहते हैं उसको? एम्यूज कहते हैं. और विंक्ड का मतलब क्या है? कि एक आई क्लोज करके हम जो इशारे सबको करते हैं हमारे फ्रेंड को कोई काम करने के लिए, तो वो हमें, तो हम उसको क्या बोलेंगे? विंक्ड बोलेंगे. ओके, सो एम्यूज, पॉप पॉप विंक्ड एट जॉन वाइल हेडिंग स्ट्रेट फॉर द कुकीज. ओके, जब वो अपना सिर वो कुकीज की तरफ रखा था, उसके पहले ये पॉप बोलता है, पॉप पॉप है, वो बोलते हैं, वो एक आँख बंद कर विंक करके उसके आँख एम्यूज एक मस्ती के रूप में वो बोलते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो जॉन क्या करता है, फिर वो टर्न हो जाते हैं. किस साइड टर्न होता है? कि जहाँ पे वो कुकीज़ की जो प्लेट जो उसके मम्मा ने बनाई थी ना, तो उस साइड वो टर्न हो जाता है. फिर आई वॉज थिंकिंग मोर ऑफ आवर एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग, जॉन्स मॉम सजेस्टेड. तो जॉन के मॉम ने सजेस्ट क्या किया, कि उसने सजेस्ट किया कि ये स्प्रिंग सीजन चल रहा है अभी,
तो हम क्यों ना एक काम करें कि हम अपना घर है वो साफ करें। ऐसा किसने ऐसी एडवाइस किसने दी, तो कि जॉन के मम्मी ने उसको इस तरह की एडवाइस दी। ओके, कि स्प्रिंग सीजन चल रहा है, चलो तो हम कोई काम नहीं है अभी तक, तो हम अपना घर साफ करें। तो ऐसी एडवाइस और ऐसा सजेशन किसने दिया, तो कि जॉन ने, जॉन का जो जॉन के जो मम्मा थे तो उसने ये एडवाइस दी उसको। टुमोरो जॉन यू हैव नो स्कूल एंड आई कैन एक्सपेक्ट सम हेल्प। ओके, सो उसका मम्मी अभी क्या और ज़्यादा बोलता है, और ज़्यादा बोलते हैं कि जॉन तुझे कल तो अभी संडे है इसलिए आपको स्कूल भी नहीं जाना है जॉन को। ओके, तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं घर साफ करती हूँ और मैं जॉन से एक हेल्प भी लेना चाहते हो। ओके, कि दैट यू कैन हेल्प मी। ओके, दैट्स वाई आई विल क्लीन द हाउस, आई विल गेट सम हेल्प फ्रॉम यू। सो हियर वी कैन से दैट whenever you are at your home or your mama is cleaning your house, at that time you also, if you are free, then you can help them. तो आप मदद भी कर सकते हैं अपने मम्मा को, तो उसको भी अच्छा लगेगा, अगेन कि मेरा बेटा और मेरी बेटी है मुझे हर काम में मदद करता है। फिर आपको सीखने को भी मिलेगा, अगर आप जब बड़े होंगे तब आपको ये सब सीखना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले से ही ये काम सब कुछ किया है, इसलिए आपको वो ईजी लगेगा आपको सब कुछ। When you are moving to standard from fourth to fifth, okay? After reaching standard fifth, आप जब fifth में आ जाते हो तब आपको जो fourth class के जो सब कुछ पढ़ाई है ना, तो वो आपको बहुत easy लगने लगती है, क्योंकि आप उस दौर से गुजर गए हैं इसलिए। okay? So इसी तरह अगर आप कोई काम अपने मम्मी को help करते हैं और फिर आपको वो काम आता है और नहीं आता, फिर भी हेल्प आप करते हैं, तो बड़े होकर वो काम आपको अच्छी तरह आ जाएगा और फिर आपको फास्ट आएगा, क्योंकि ये काम आपने पहले से किया हुआ है इसलिए। तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आप कभी कभी अपने पेरेंट्स को हेल्प भी करना चाहिए ना, जब हम घर पे, अभी तो कोरोना पेंडेमिक है, कोरोना की ये जो छुट्टियाँ सब कुछ है, तो आप घर पर सिर्फ बैठे बैठे मोबाइल देखे या बैठे बैठे मोबाइल देखते हो, तो उसके बदले आप ये सब एक्टिविटीज़ घर में करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए ट्रीज़। ओके, यू हैव टू प्लांट सम ट्रीज, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, क्योंकि अभी मॉनसून सीजन अराइव ही होने वाला है। ओके, दैट्स वाई। ओके, एंड समथिंग यू कैन, यस यू कैन लर्न मोर डिशेस ऑल्सो। ओके, हाउ टू कुक, वॉट द थिंग्स आर पुट टू कुक द वेजिटेबल्स। ओके, यू कैन लर्न द नेम्स ऑफ ऑल दैट थिंग्स, ओके, विच इज पुट इन द वेजिटेबल्स टू मेक अ वेजिटेबल्स। ओके स्टूडेंट, सो ऑल दिस थिंग्स दैट यू कैन डू एट योर होम और यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स ऑल्सो।